उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस कोने कोने से सबूत जुटा रही है और लगातार लोगों से पूछताछ भी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ अतीक का परिवार भी कानूनी दांव पेच अपना कर बचने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन आज एमएमपी एमएलए कोर्ट ने अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ने जो याचिका दायर की थी अग्रिम जमानत की, उसको खारिज कर दिया। वहीं दूसरी तरफ पुलिस अब अतीक की बहन और मेरठ से पकड़े गए अखलाक की पत्नी को भी इस पूरे मामले में आरोपी बनाने की कवायद शुरू कर चुकी है। उमेश पाल हत्याकांड में माफिया एंड फैमिली पर कानून का शिकंजा लगातार कस रहा है और हर बदलते दिन के साथ अतीक के परिवार के लिए कानूनी कार्रवाई से बचने का रास्ता बंद होता जा रहा है। कोर्ट ने अपराध की गंभीरता और उमेश पाल शूटआउट केस में आरोपी शाइस्ता परवीन की संलिप्तता के आधार पर उनकी अग्रिम जमानत की अर्जी को खारिज किया है। अदालत का मानना है कि अगर इस स्टेज पर शाइस्ता परवीन को अग्रिम जमानत दी जाती है तो वो कतई न्याय हित में नहीं होगा। अग्रिम जमानत मिलने पर वो न सिर्फ केस की जाँच को प्रभावित कर सकती है बल्कि गवाहों पर भी दबाव बना सकती है। अब उमेश पाल हत्याकांड में फरार 25,000 की इनामी शाइस्ता परवीन की अग्रिम जमानत याचिका एमपी एमएलए कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने साफ लफ्जों में कहा है कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए शाइस्ता परवीन को अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती। इस बारे में क्या फैसला अदालत का आया है और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बारे में हम बात करते हैं। हमारे साथ अपर शासकीय अधिवक्ता सुशील वैश्य जी मौजूद हैं, इसके साथ साथ उमेश पाल के परिवार वालों के वकील विक्रम सिन्हा जी हैं। सबसे पहले सुशील जी से जान लेते हैं, सर अदालत में क्या प्रेयर की गई थी और क्या फैसला आया है? अदालत में एंटीसिपेटरी बेल जो दाखिल की गई थी आवेदिका की तरफ से, शाइस्ता परवीन की तरफ से, उसमें उनके अधिवक्ता ने ये अर्जी लगाई थी, ये प्रार्थना किया था कि मेरा नाम जो है शाइस्ता है और उन्होंने जयापाल ने जो वादनी मुकदमा है उन्होंने शाइस्ता लिखा है। हम लोगों ने बताया कि ये आइडेंटिफिकेशन है बिल्कुल कि ये उनकी वाइफ है अतीक अहमद की, तो शब्दों के हेर फेर से ये नहीं हो जाता है कि उनके नाम पे नहीं है। अदालत ने क्या फैसला दिया है और साथ में क्या ऑब्जर्वेशन था कोर्ट का? अदालत ने अभियोजन की पूरी बातों को सुना, उनकी भी बातों को सुना। ये माना अदालत ने कि वास्तव में ये एंटीसिपेटरी बेल पोषणी नहीं है, अतः इस निष्कर्ष पर न्यायालय पहुंची कि पोषणीयता को ध्यान में रखते हुए ये एंटीसिपेटरी बेल उनकी खारिज की गई। क्या कमेंट किया है अदालत ने अपने फैसले में? अदालत ने ये माना कि जो जयापाल ने मुकदमा दर्ज कराया है उसमें ये नामजद हैं, इनके परिवार के सारे लोग नामजद हैं, ये साजिश की सूत्रधार हैं। जो हत्याकांड हुआ वो ट्रिपल हत्याकांड था, अपराध इतना गंभीर है कि उस पर जो है विचार करने योग्य नहीं है इनका अपराध। इस बीच पुलिस ने अतीक की बहन आयशा नूरी, जो मेरठ से गिरफ्तार अतीक के बहनोई अखलाक की पत्नी है, वो माफिया अतीक की सबसे बड़ी राजदार बताई जा रही है, उसे आरोपी बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि आयशा नूरी को उमेश पाल हत्याकांड की पूरी जानकारी थी, उसे पता था कि हत्या किस दिन और कहां होगी। आयशा नूरी ने ही शूटर्स को भगाने और उनके रहने का इंतजाम किया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हत्याकांड से पहले और बाद में आयशा नूरी ने प्रयागराज, लखनऊ और बरेली के कई चक्कर लगाए थे, लेकिन जैसे ही पुलिस ने अखलाक को गिरफ्तार किया आयशा नूरी फरार हो गई। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर आयशा नूरी की गिरफ्तारी होती है तो उमेश पाल हत्याकांड की गुत्थी सुलझ सकती है। बेहद शातिर आयशा नूरी डॉन अतीक के एक इशारे पर किसी को भी ठिकाने लगाने वाले गुनहगारों की न सिर्फ सबसे बड़ी राजदार है बल्कि उनके लिए महफूज शरण स्थली मुहैया कराना भी उसी की जिम्मेदारी थी। उमेश पाल हत्याकांड में एसटीएफ के हाथ जो सबूत लगे हैं वो कुछ नई और बड़ी कहानी की तरफ इशारा कर रहे हैं। अब आयशा नूरी की गिरफ्तारी के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आखिर एसटीएफ के दिमाग में जो सवाल हैं उनके जवाब आयशा नूरी क्या देती हैं।
24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या के बाद से अब तक माफिया एंड फैमिली को लेकर कई खुलासे हो चुके हैं, कई तस्वीरें सामने आई हैं। अब एक और वीडियो सामने आया है जिसमें अतीक का भाई अशरफ और बेटा अली ताबड़तोड़ गोलियां चलाते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो 2016 में अतीक अहमद के साले शबी अहमद की शादी का बताया जा रहा है। इस वीडियो में अतीक का गुड़गा आसाद कालिया भी दिख रहा है। ये वीडियो अतीक अहमद के साले शबी अहमद की बारात का है। मामला साले की शादी का था, ससुराल में रौब झाड़ना था, लिहाजा अतीक अहमद ने परिवार के सदस्यों और गिरोह के लोगों से ताबड़तोड़ फायरिंग कराई थी। ताबड़तोड़ फायरिंग से शादी समारोह में मौजूद तमाम लोग सहम गए थे, लेकिन किसी में भी विरोध करने या एतराज जताने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि मामला सीधे तौर पर डॉन से जुड़ा था। बताया जा रहा है कि पुलिस माफिया एंड फैमिली से जुड़े हर एक वीडियो और तस्वीर को खंगाल रही है ताकि अतीक अहमद के नेटवर्क का पूरा पता लगाया जा सके, उमेश पाल की हत्या कर फरार गोलीबाज गुनहगार की तलाश की जा सके। ये बात और है कि अब तक पुलिस को उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। एबीपी गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोहन और मेरठ से सनु शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।